जहां देश भर में बैसाखी पर्व की धूम है, वहीं किसानों को भी जो है आज का दिन का इंतजार रहता है। और बैसाखी के मौके पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अनाज मंडियों में अपनी फसलों को लेकर पहुंचे हैं। आप तस्वीरें इस समय करनाल की अनाज मंडी की देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो किसानों की फसल है वह पहुंचना शुरू हो चुकी है। जो गेहूं है, किसानों का पीला सोना जिसको कहा जाता है, साल भर की मेहनत के बाद किसान इसको लेकर अपने यहाँ अनाज मंडी में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किसानों के चेहरे पर इस बार अलग ही तरह की खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार मौसम ने उनका साथ दिया है और सरकार भी यही उम्मीद जता रही है कि जो इस बार किसानों की फसल है वो बम्पर फसल हो सकती है, क्योंकि मौसम साथ दिया और एक तरफ से बैसाखी है। तो इससे कुछ किसानों से हम बातचीत करते हैं जो अनाज मंडी में पहुंचे हैं अपनी फसल लेकर। सिंह साहब, आप बताएं कि एक तरफ बैसाखी है और एक तरफ आपके फसल लेकर मंडी में पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की गल है कि उधर बैसाखी का जोड़ मेला है, उधर फसल जिमीदारों की आ रही है मंडी में, बहुत खुशी की बात है। उधर गवर्नमेंट भी किसानों का सहायता कर रही है, बहुत अच्छी है। आप बताएं कि बैसाखी है और फसल? हाँ जी, बैसाखी फसल लेके पहुंचे हैं। बैसाखी का बहुत साफ सुथरा मौसम रहा है जी, हर का कुछ फसल का रेट भी वध्या गया सी, 1600 रुपया रेट मिल रहा सानू, एन वधिया साफ सुथरी साड़ी फसल रही है, कोई बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, सब एन वधिया साफ सुथरी साड़ी फसल रही, परेशानी होंगे कोई परेशानी नहीं आई हैगी सी सानू। ये आप करनाल की अनाज मंडी की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। मैं आपको करनाल की अनाज मंडी की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि किसान जो है ट्रॉली में फसल को लेकर आता है और इस तरह से पहले जो फसल है उसको यहां पर रख दिया जाता है, जिसके बाद कुछ मजदूर हैं जो एक एक करके इस फसल को इस थ्रेशर में डालते हैं ताकि इसकी सफाई होती है और जो इसमें से गंध होता है वो अलग निकल जाता है। साफ गेहूं जो है आप देख सकते हैं कि साफ गेहूं अलग जो है छाट दिया जाता है और फिर जो है इनको बोरियों में बंद करके जो है किसान आगे सरकार को इसको बेचता है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि साफ गेहूं की जो बोरियां हैं वो भी जो है यहां पर तैयार है। और आप किसानों की जो गेहूं की फसल है इस बार आप देख सकते हैं कि काफी मोटा दाना गेहूं का हुआ है, क्योंकि मौसम ने इस बार किसानों का साथ दिया, मौसम खराब नहीं हुआ, जिसके चलते इस बार किसानों की बम्पर फसल की उम्मीद जताई जा रही है और जिसको लेकर किसानों के चेहरे पर अलग ही तरह की जो खुशी है, अलग ही तरह की मुस्कान है वो देखने को मिल रही है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।